कसरावद स्थानीय सीबीएसई विद्यालय पैरामाउंट एकेडमी कसरावद में नव वर्ष के प्रथम दिन सब इंस्पेक्टर श्रीमती आवासिया ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। विद्यालय में नव वर्ष की शुरुआत में विशेष सभा का आयोजन किया गया। कसरावद से महिला सब इंस्पेक्टर श्रीमती लक्ष्मी आवासिया ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र का पूजन किया। इस अवसर पर राजस्थान की पावन भूमि हल्दीघाटी से लाई गई मिट्टी का पूजन कर सभी बच्चों को तिलक किया गया। श्रीमती आवासिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नए वर्ष का स्वागत किया। छात्र सौम्य सोनी ने भारत के अगले 20 वर्षों के विजय को सबके सामने रखा। इस अवसर पर 22वीं जूनियर एवं सब जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। सभी बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि नया साल है। सर ने जैसे बहुत सारी बातें बताई है कि अच्छाई बुराई, हेल्थ को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, स्वच्छता, हर चीज के बारे में बताया। जरूरी नहीं कि अपन ने सुना और बस यही भूल गए, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। सर ने जो अच्छी अच्छी बातें बताई है उस पर अमल करना और अपने पेरेंट्स को भी बताना। अगर हमारे घर में कोई इस तरह से हरकत करता है, कचरा फेंकता है या फिर गंदे से रहता है, रखता है, जो स्कूल नहीं जाता है, तो उन्हें हमें मोटिवेट करना है कि नहीं आप स्कूल जाइए, स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, फिर ऑफिसर बन जाओगे, आप खुद का भी अच्छा सोच सकते हो, फैमिली का भी अच्छा सोच सकते हो। तो आप अपने भाइयों को भी, अपने बहनों को भी और अपने आस पास जो भी है सबको बताएं, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊँगी घूट तक अपने यहाँ पे मुझे जितने बच्चे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें बताना जरूरी है। तो गुड टच और बैड टच बताया ही जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बाहर के ही रहते हैं, मगर हमारे बीच के भी कोई हो सकते हैं। अगर हमारे स्कूल में, हमारे घर पे या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हमारे साथ में गलत करता है, टीचर अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, जिन्हें हम पसंद करके अपनी बात बता सकते हैं, चाहे घर में हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।